जौनपुर उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य का एक प्रमुख ऐतिहासिक जिला है। वर्तमान समय में यह जिला अपने चमेली के तेल, तंबाकू की पत्तियां और मीठे पकवान के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध है। जिले की स्थापना 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की थी, जिसका वास्तविक नाम जौना खान था। इसी कारण इस जिले का नाम जौनपुर रखा गया था। 1484 से लेकर 1525 ईस्वी तक जौनपुर पर लोदी वंश का शासक रहा। बाद में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में हरा दिया और उसके बाद बाबर का पुत्र हुमायूं ने जौनपुर के राजाओं को हरा कर यहाँ पर अपना कब्जा कर लिया। लगभग 150 सालों तक मुगल शासक जौनपुर की गद्दी पर राज किए हैं, जिनके द्वारा बनाए गए अनेक किले व स्मारक आज भी जौनपुर जिला में मौजूद हैं। लगभग 4038 वर्ग किलोमीटर की क्षेत्रफल में फैले जौनपुर जिला की जो कुल आबादी है वो 44,94,000 है। इस 44,94,000 में 22,20,000 पुरुष तथा 22,73,000 महिलाएं मौजूद हैं। दोस्तों, जौनपुर जिला में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या जो है वो अधिक है। यहाँ पर बोली जाने वाली मुख्य जो भाषा है वो हिंदी, अवधी व हल्का फुल्का जो है वो भोजपुरी है। दोस्तों, जौनपुर जिला अपने कई सारे पड़ोसी जिलों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है, जिसमें आजमगढ़ जिला, वाराणसी जिला, प्रयागराज जिला, प्रतापगढ़ जिला, सुल्तानपुर जिला और गाजीपुर जिला। अगर यातायात की बात करें तो जौनपुर जिला जो है वो सड़क मार्ग, रेल मार्ग, हवाई मार्ग यानी कि तीनों मार्गों से जो है वो अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। नंबर एक, रेल मार्ग। दोस्तों, जौनपुर जिला में मुख्य रूप से दो रेलवे स्टेशन है, जौनपुर जंक्शन और जौनपुर सिटी। यह रेलवे स्टेशन लखनऊ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, वाराणसी लाइन पर स्थित है और जौनपुर जंक्शन यहाँ का मुख्य रेलवे स्टेशन है, जिसका स्टेशन कोड जो है वो JNU है और इस जंक्शन में 5 प्लेटफॉर्म तथा 10 ट्रैक मौजूद हैं। जौनपुर जंक्शन नॉर्थ रेलवे जोन के लखनऊ NIR डिवीजन के अंतर्गत आता है। गंगा यमुना एक्सप्रेस, सुवर्णा एक्सप्रेस, गोदान एक्सप्रेस आदि कई ट्रेनें जो है वो जौनपुर के हिस्से से होकर गुजरती है, जो कि आगे चलकर जौनपुर को देश के बड़े बड़े जिलों के साथ जुड़ती है। नंबर दो, सड़क मार्ग। दोस्तों, जौनपुर जिला के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 56 गुजरती है, जो आगे चलकर जौनपुर को उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े शहरों के साथ जुड़ती है। इसके अलावा जौनपुर बस स्टैंड के माध्यम से उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा नियमित बस सेवा भी संचालित की जाती है, जिसके माध्यम से आगरा, लखनऊ, दिल्ली आदि शहरों तक जो है वो बस सेवा मुहैया प्रदान कराई जाती है। नंबर तीन, वायुमार्ग। दोस्तों, वैसे तो जौनपुर जिला में कोई भी हवाई अड्डा नहीं है, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा जो कि वाराणसी का है, यहाँ का सबसे नजदीक में स्थित हवाई अड्डा है, जो कि यहाँ से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे संख्या 56 पर स्थित है। दोस्तों, जौनपुर जिला अपने खूबसूरत ऐतिहासिक धार्मिक स्थानों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। इस जिले में कई ऐसे घूमने के स्थान है जहाँ पर पर्यटक घूमकर आनंद उठा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि वो कौन सा खास घूमने के स्थान है जो कि जौनपुर जिला में मौजूद है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नंबर एक, अटाला मस्जिद। दोस्तों, अटाला मस्जिद का निर्माण 1393 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के समय में शुरू हुआ था, जो 1407 में जाकर इब्राहिम सरकी के शासनकाल में पूरा हुआ। मस्जिद में तीन तोरण द्वार है जिसके सुंदर सजावट की गई है। बीच का तोरण द्वार सबसे ऊंचा है और इसकी जो लंबाई है वो लगभग 23 मीटर है। इस मस्जिद को देखने के बाद कोई भी शासकीय शासक का बेहतरीन कला और निर्माण का अच्छा अंदाजा लगा सकता है। अगर आप जौनपुर जिला में जा रहे हैं तो अटाला मस्जिद घूमना ना भूलिएगा। नंबर दो, शीतला माता मंदिर, चौकिया धाम। दोस्तों, जौनपुर में शीतला माता का लोकप्रिय प्राचीन मंदिर बनाया गया है। इसके निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है। बताया जाता है कि मौर्यकालीन प्राचीन मंदिर ये है, जिसका जीर्णोद्धार करके जो है वो माँ शीतला चौकिया धाम रखा गया है। इस मंदिर के निकट एक बहुत ही खूबसूरत तालाब भी है। श्रद्धालुओं का इस तालाब में आना जाना हमेशा लगा रहता है,
और हर रोज लगभग 5000 से 6000 श्रद्धालु इस मंदिर में दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। नंबर 3, शाही पुल। दोस्तों, तारिक मुइमी के अनुसार जौनपुर के इस विख्यात शाही पुल का निर्माण बादशाह अकबर के शासन काल में उनके आदेशानुसार 1564 ईस्वी में मुइमुन खानवाला ने करवाया था। यह भारत में अपने ढंग का इकलौता अनोखा पुल है। पुल की चौड़ाई लगभग 26 फीट है, जिसके दोनों तरफ 2 फीट 3 इंच की चौड़ी मुंडेर है। पुल के मध्य में चतुर्भुजाकार चबूतरे का एक विशाल सिंह की मूर्ति है, जो अपने अगले पंजे पर हाथी के पीठ पर सवार होता हुआ प्रतीत होता है। इसके सामने एक मस्जिद है। पुल के ऊपर जो है वो 10 व दक्षिण की तरफ 5 तायखाने लगे हुए हैं। और शाही पुल जौनपुरा के सबसे विख्यात और लोकप्रिय पर्यटक स्थलों में से एक माना जाता है। नंबर 4, शाही किला। गोमती नदी के तट पर स्थित दुर्ग का यह किला 1362 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाया गया है। इस किले के भीतरी फाटक 26.5 फीट ऊंचा तथा 16 फीट चौड़ा है। इसके ऊपर एक विशाल गुंबद भी बनाया गया है। वर्तमान समय में इसकी पूर्वी द्वार मेहरावे आदि से बनी हुई है, जो उसकी खूबसूरती को बयान करती है। इस फाटक का निर्माण सुरक्षा के दृष्टिकोण से मोइन खान वाना ने करवाया था। नंबर 5, झजरी मस्जिद। दोस्तों, यह मस्जिद मोहल्ला सिपाह में गोमती नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। इसको इब्राहिम सरकी ने अटाला मस्जिद एवं मस्जिद खाजिज के समय में बनवाया था, क्योंकि यह मोहल्ला स्वयं इब्राहिम शाह सरकी ने बसाया था, लेकिन बाद में सिकंदर लोदी ने इस मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। परंतु आज भी यह मस्जिद अपनी पुरानी वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना पेश करती है। नंबर 6, बरीनाथ मंदिर। बाबा बरीनाथ का मंदिर इतिहासकारों के अनुसार लगभग 300 वर्ष पुराना है। यह मंदिर उर्दू बाजार में स्थित है और लगभग कई बीघे में फैला हुआ है। बाहर से देखने में यह मंदिर उतना बड़ा दिखाई नहीं देता है, परंतु प्रवेश द्वार के माध्यम से जैसे अंदर जाया जाता है, तब पता चलता है कि बरीनाथ मंदिर कितना भव्य व चौड़ा है। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं और हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं, तो बरीनाथ मंदिर घूमना ना भूलिएगा। दोस्तों, इसके अलावा जौनपुर जिला में और भी कई सारे खूबसूरत अंतर्राष्ट्रीय ऐतिहासिक पर्यटक स्थल है, जिसकी व्याख्या एक वीडियो में करना संभव नहीं है। इसके अलावा जौनपुर जिला 6 तहसीलों में बटा हुआ है। बदलापुर, जौनपुर सदर, केराकत, मरियाहू, सागंज और मछलीसर। इसके अलावा 21 विकास खंड, 28 पुलिस स्टेशन तथा 3374 गांव जौनपुर जिला में मौजूद हैं। दोस्तों, गोमती नदी जो है वो यहाँ की मुख्य नदी है। गोमती नदी के तट पर बसा जौनपुर जिला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 245 किलोमीटर तथा देश की राजधानी यानी कि नई दिल्ली से 798 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित जौनपुर जिला के बारे में आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर बताइएगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियोस पूरा देखने के लिए आपको दिल से शुक्रिया।